गुड इवनिंग टू ऑल गुड इवनिंग सो गाइज आई वेलकम यू ऑन दिस चैनल इंग्लिश बाई जन्मेर एंड टूडे वी आर हैविंग द मोस्ट अवेटिंग सीरीज फॉर द रीट एग्जाम कंडक्टेड ऑन ट्वेंटी सिक्स सेप्टेंबर सो गाइज बच्चों ने जैसे जैसे डिमांड की थी उसके लिए हम रीट का अपना फर्स्ट सीरीज लेके आए हैं तो आज हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं बेसिकली मैं आपको बता दूं कि वी हैव टेकन द

जी आई जस्ट वॉन्ट वन मिनट। जी भारती पीयूष रुचि राखी प्रियंका सीमा निधि जूली सच मीनाक्षी निधि सबिया राहुल वेरी गुड इवनिंग बच्चों तो चलिए हम अपनी शुरुआत करते हैं सभी बच्चे पहुंच गए हैं क्लास में तो होप के सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है जी नहीं निधि बिल्कुल नहीं भूले हैं सभी बच्चों का वर्क होगा अभी आप देखेंगे कि इसमें वर्क हम क्या कर रहे हैं तो आपको महसूस हो जाएगा कि चीजें वही हैं जी राहुल आई एम फाइन थैंक यू जी रुचि एम फाइन थैंक यू तो ठीक है बच्चों, शुरू करें अपने वर्क को तो चलिए हम लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन अपना तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है आपका दिस वन। सब बच्चे चेक करें और क्वेश्चन को देखें क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन बी फोम्ड बाय एडिंग वाई इन द प्राइमरी वर्ड तो बताएं बच्चों, आंसर क्या होगा हमारा सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं जी शालिनी गुड इवनिंग जी इसमें इसमें बेसिकली हमारा ग्रामर का वर्क है ग्रामर का वर्क ज्यादा है जी पलक गुड इवनिंग हां जी पलक इसके बारे में बिल्कुल बताएंगे वेरी सुन क्योंकि एग्जाम अभी एकदम नहीं है तो इसमें थोड़ा सा डिले होगा और मैं आपको कुछ बताऊंगा भी अभी क्लास के बाद में तो सब बच्चे देखेंगे पहले तो इस वर्ड को समझ लेते हैं प्राइमरी वर्ड क्या है सब बच्चे देखें प्राइमरी वर्ड क्या है ऐसा क्वेश्चन भी आपका बन सकता है प्राइमरी वर्ड बेसिकली वो वर्ड होता है बच्चों प्राइमरी वर्ड वो वर्ड है जिसमें हम कुछ भी एड आ, मतलब जिसको आगे डिवाइड नहीं कर सकते जैसे ये वर्ड देखेंगे जॉब जॉब वर्ड का मैं एग्जाम्पल देता हूं इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते मतलब जॉब अपने आप में कंप्लीट वर्ड है बेसिक वर्ड है तो इसे हम प्राइमरी वर्ड कहते हैं बेसिक वर्ड कहेंगे है ना लेकिन इसमें आगे जोड़ के हम नए वर्ड्स बना सकते हैं तो वो डेरिवेटिव बनेंगे इसके जैसे अगर जॉब में मैं लेस जोड़ दूं बच्चों तो ये क्या बन जाएगा जॉब लेस तो हमारे पास एक नया वर्ड हो गया जॉब लेस जो कि लेस जोड़ के यानी सफिक्स जोड़ के बनाया है हमने एक प्राइमरी वर्ड में जॉब में क्या ये बात क्लियर है तो सब बच्चे देखेंगे जॉब हमारा प्राइमरी वर्ड है और लेस हमारा सफिक्स बन गया और बच्चों अगर किसी वर्ड के शुरू में मैं जोड़ू है ना जैसे मैं इन जोड़ दू यहां पर इन जॉब तो इन यहां पे क्या बन जाएगा प्रीफिक्स जैसे आप हिंदी में प्रत्यय और प्रत्यय करते हैं और और इसमें होता है कुछ इसी तरह से तो ऐसे ही आपके प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं करेक्ट बच्चों तो अब आप देखेंगे यहां पे उसने क्या बोला विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन बी फोन्ड बाय एडिंग वाई इन द प्राइमरी वर्ड तो प्राइमरी वर्ड में आपको वाई जोड़ के बनाने हैं तो सब बच्चे देखेंगे पहला वर्ड इजी है ना इसको समझेंगे सब लोग हाँ उपसर्ग और वो बिल्कुल सही बात है बच्चों देखो इजी इज आपने वर्ड देखा ई e एस -E, इसमें आपने वाई जोड़ा बन गया आपका इजी करेक्ट होगी बात क्लाउड में आपने जोड़ा वाई तो बन गया आपका क्लाउडी आपने एंगर में जोड़ा एंगर क्या है नाउन एंगर में जोड़ा आपने वाई तो बन गया एंग्री क्या है मेरी बात समझ में आ रही है तो वाई जो है वो कैसा वर्क कर रहा है सफिक्स का वर्क कर रहा है

देखो कहता है विच ऑफ द फॉलोविंग इज अ प्राइमरी वर्ड अब आप बता सकते हैं तो बताओ बच्चों इनमें से प्राइमरी वर्ड हमारा कौन सा होगा जी अनामिका गुड इवनिंग तो बताइए अब आपको प्राइमरी वर्ड का पता चल गया है जिससे हम दूसरे वर्ड को ड्राइव करते हैं तो बताइए इसमें से चॉइस बनेगा चूज बनेगा प्राइड बनेगा या फिर डेड बनेगा हाँ बिल्कुल टेट में आया होगा सीमा बिल्कुल करेक्ट बात है राखी ने डी आंसर का है डेड लेकिन लेकिन डेड जो वर्ड बना है वो डाई से बना है डाई वर्ब है उससे बना है डेड हां जी ये चूज वर्ड है है ना चूज से बना है चोइस लेकिन चूज अपने आप में कैसा है प्राइमरी वर्ड है ये किसी से नहीं बना है इस तरह से प्राइड को अगर हम देखें प्राउड से बना है करेक्ट बात है तो चूज वर्ड हमारा सेकंड नंबर पे टू नंबर पे ऐसा है जो कि एक प्राइमरी वर्ड है है ना बाकी वर्ड इसी से ड्राइव हुए हैं अच्छा ठीक से दिख नहीं रहा है दिखने में प्रॉब्लम हो रही है वैसे तो ब्लैक मैंने इसीलिए किया है इसको कि जिससे आसानी से दिखाई दे कोई प्रॉब्लम ना हो अच्छा एक मिनट रुकेंगे मैं इसको ठीक करने की कोशिश करता हूँ बच्चों ठीक है <laughs> ओके ओके मैं समझ गया चलिए ठीक है अब ठीक है बच्चों सब साफ दिख रहा है आपको ये क्लियर हो गया हमने व्हाइट कर दिया है इसको ठीक है जी तो बताइए बच्चों अब इसमें क्या आपने देख लिया क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या बन गया है आंसर वुड बी हेयर आंसर बच्चों क्या बनेगा हमारा चूज सेकंड नंबर पे तो सेकंड नंबर बनेगा चूज अब question number next पे primary derivative वो वर्ड बात. देखो आपको ध्यान से देखना है primary derivative सबसे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों क्या होता है मैंने कहा ड्राइव करना जैसे बाथ वर्ड हमारा कैसा है बाथ वर्ड हमारा प्राइमरी वर्ड है तो इससे कह रहे प्राइमरी डेरिवेटिव यानी कि पहला डेरिवेटिव जो बनता है तो अगर आप देखेंगे बाथरूम बाथटब या फिर बाथ या कौन सा बनेगा बताओ प्राइमरी डेरिवेटिव कौन सा होगा जी बच्चों बाथ का मीन्स है नाना का मतलब है ये नाउन बन गया अब इससे वर्ब बनाना है आपको तो वर्ब कौन सी होगी दिस वन यानी कि ऐसा वर्ड जिसमें हम एक सिंगल बना के ही नया वर्ड बना सके उसे हम प्राइमरी डेरिवेटिव कहते हैं जैसे बाथरूम है इसमें पूरा वर्ड जोड़ना पड़ा आपको तो रूम जोड़ने का मतलब है कि सेकेंडरी डेरिवेटिव बन जाएगा तो प्राइमरी डेरिवेटिव हमारा क्या बनेगा सेकेंड नंबर पे बात जो कि एक वर्ब है यानी कि बात का मीन्स है स्नान और बात का मीन्स है स्नान करना करेक्ट बच्चों अच्छा जी कोमल ऑल राइट ठीक है कोमल तो समझ में आ गया सब बच्चों को सेकंड बनेगा अगला क्वेश्चन देखते हैं और बच्चों मैं आपको बता दूं कि बेसिकली ये एग्जाम में तो किसी में भी आ सकते हैं बट फोकस हमने अभी किस पे किया है रीट वाले पे मतलब ये हेल्प करेगा आपके दो चार दस क्वेश्चन होने में भी ठीक करे तो मतलब ये हेल्पफुल रहेगा करेक्ट एवरी वन हाँ जी तो बताइए बच्चे विच ऑफ द फॉलोविंग इज अउन देखो क्या लिखा है इज नाउन फोमड बाई एडिंग सफिक्स एज मतलब कहने का यह है कि कौन सा वर्ड इनमें से नाउन बनता है सफिक्स क्या जोड़ा हमने उसमें एज तो देखो यूसेस वेस्टेज सीपेज या ऑल ऑफ द एब फोर का डी बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने करेक्ट बात है जूली एग्जैक्टली आंसर फोर बनेगा बच्चों यूज में आपने जोड़ा यूजेज बन गया वेस्ट में जोड़ा वेस्टेज बन गया सी सीप शीप में जोड़ा सीपेज बन गया है ना तो ये सारे वर्ड हमारे कैसे बनेंगे ऑल ऑफ द क्योंकि एज को हमने कैसे जोड़ दिया सफिक्स की तरह से यहां पे बहुत अच्छे वेरी गुड अगला क्वेश्चन देखेंगे द वर्ड ब्रोकरेज ब्रोकरेज वर्ड आपने खूब सुना होगा तो उसने पूछा है ब्रोकरेज क्या है प्राइमरी डेरिवेटिव है सेकेंडरी सॉरी प्राइमरी वर्ड है प्राइमरी डेरिवेटिव है सेकेंडरी डेरीवेटिव या फिर ब्लेंड है अभी हम ब्लेंड को भी जानेंगे कि ब्लेंड क्या होता है तो बताओ अभी वो वर्ड में से है मतलब प्राइमरी वगैरह में से है सेकेंडरी में से बताइए क्या बनेगा अच्छा नहीं किरण किरण ये तो बिल्कुल ठीक चल रहा है नेटवर्क इज ऑल राइट right. टू ओके okay. बच्चों अगर हम इसको देखेंगे अभी मैंने आपको बताया था जैसे आपने बात में जोड़ा था बात में ई जोड़ा तो ये प्राइमरी डेरिवेटिव बन गया लेकिन जब आप इसी में पूरा वर्ड जोड़ देंगे जैसे ब्रोकर ब्रोकर एज ब्रोकरेज बन गया तो ये सेकेंडरी डेरिवेटिव होगा आंसर आपका क्या बनेगा थ्री तो इट वुड बी सेकेंडरी डेरिवेटिव बिल्कुल सही है अनंता जी जूली राहुल बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने तो इट वुड बी अ सेकेंडरी डेरिवेटिव अगले क्वेश्चन पे आते हैं वर्ड इंटीमेसी इज खुद देख के बताओ बच्चों इंटीमेसी कैसा वर्ड है इंटीमेसी क्या है एडजेक्टिव है वर्ब है नाउन है या फिर एडवर्ब है क्या होगा इनमें से भाई आप एक वर्ड देखते हैं इंटीमेट इंटीमेट का मीनस है बहुत क्लोज होना इंटीमेट का मीन्स है बहुत ही क्लोज होना तो बताइए इंटीमेसी क्या बनेगा यहां पे जी बहुत अच्छे बिल्कुल सही आंसर है सी भाई नाउन बनेगा इंटीमेसी इंटीमेसी का मीन्स है नजदीकी करीबी करीबी होना या नजदीकी होना और नजदीकी कैसा नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा अगर आपने देखा हो इट वुड बी एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन करेक्ट बच्चों तो आंसर हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा अब देखो इसमें क्वेश्चन प्राइवेसी देखो बहुत बेसिक क्वेश्चन है लेकिन इन बेसिक क्वेश्चंस को आपको समझना है तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इसका आंसर करें और सभी बच्चे इसको ध्यान से देखें तो बच्चों बताइए प्राइवेट वर्ड का नाउन हमारा क्या बनेगा प्राइवेटली प्राइमरी बोथ वन एंड टू या फिर प्राइवेसी पूनम ने डी आंसर आंसर दिया है है बिल्कुल सही राहुल अनंता करेक्ट बात है ये बच्चों फोर बनेगा प्राइवेसी भाई आपको पता है प्राइवेट का मीन्स होता है अपना प्राइवेट अलग और प्राइवेसी का मीन्स होता है हमारी प्राइवेसी तो ये नाउन बन गया उसका और ये भी कैसा नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है अगला वर्ड कहता है चूज द कंपाउंड वर्ड द फॉलोविंग आपको कंपाउंड वर्ड देखना है बताओ एयरमैन एनकरेज एडवांटेजियस रडार से कंपाउंड वर्ड है प्राइवेट वुड बी हाँ जी प्राइवेटली एडवर बनेगा बिल्कुल सही है तो एट नंबर का बताएंगे सब बच्चे क्या बनेगा रुचि ने वन कहा है ओके okay, ओके okay. भाई ध्यान से देखेंगे अगर हम एयरमैन को देखें एयरमैन वर्ड देखें एयरमैन तो देखो इसमें एयर जुड़ा और मैन जुड़ा दो वर्ड जुड़ के हमारा कंपाउंड नाउन बना रहे हैं करेक्ट बात है कि नहीं लेकिन अगर आप देखेंगे एनकरेज को एडवांटेजेस को रडार को तो ये इस तरह से नहीं बनते हैं बात समझ में आ रही है तो एयरमैन आंसर आपका वन बनेगा अच्छा ठीक है ठीक है राहुल करेक्ट बात है अगला क्वेश्चन देखेंगे चूज द अल्टरनेटिव विच इज एन एडजेक्टिव फोन्ड बाई एडिंग सफिक्स टू बॉय मतलब आपको एडजेक्टिव बनाना है बॉय में सफिक्स जोड़ के यानी कि बोय के बाद में जोड़ना है कुछ तो बताइए बच्चों क्या बनेगा एडजेक्टिव बॉयहुड होगा बॉयस होगा या फिर बॉयज होगा या फिर नन ऑफ द एबो बनेगा तो नाइन नंबर का आंसर क्या बनाएंगे सब बच्चे वोट शुड बी द आंसर ऑफ नाइन इंट्रेक्चुअल क्वेश्चन है नाइन का वन आपने बताया बॉयहुड ए बी बच्चों देखो बॉयहुड बॉयहुड तो आपका नाउन होता है आपको पता है बॉयहुड नाउन होता है ये नाउन है हम कहते हैं कि ये उसकी कौन सी स्टेज स्टेज का मीन अवस्था ये अवस्था हो गई ना स्टेट हो गई और अवस्था नाउन में किस में आती है आपके एब्स्ट्रैक्ट में करेक्ट बात है लेकिन जब बोयस कहते हैं तो कहते हैं हैंज बोयहूड कभी नहीं कहते तो बोइस का मीन्स है बच्चे जैसा तो आंसर आपका इससे बनेगा सेकंड बनेगा आंसर पकड़ पा रहे हैं सब बच्चे तो इन छोटी छोटी चीजों को आपको पकड़ना है तो बॉयहुड बन गया नाउन और आपका सीधा क्या है कॉमन नाउन बॉयहुड क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और बॉयज क्या है एक एडजेक्टिव जो बॉय में आई एस एच जोड़ के बनाया गया है सफिक्स जोड़ के बनाया गया बच्चों करेक्ट एवरीवन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर टेन बन गया आपका चूज द ऑल्टरनेटिव विच इज एन एडजेक्टिव फोर्म्ड बाई एडिंग सफिक्स टू ड्यूटी मतलब आपको फिर से एडजेक्टिव बनाना है ड्यूटी में सफिक्स जोड़ के सबको पता है बाद में जुड़ता है वो प्रिफिक्स भी कह सकता है तो बताओ बच्चों ड्यूटीफुल बोथ वन एंड थ्री एंड ड्यूटी या फिर नन ऑफ दीज क्या आंसर बनेगा आपका अब सब बच्चे देखेंगे अगर मैं ड्यूटी में एन जोड़ दूं तो ये प्रिफिक्स जोड़ के बना दिया है ये क्या बना दिया बच्चों प्रिफिक्स और ये भी एडजेक्टिव है लेकिन ड्यूटी में फुल जोड़ के जो बना ये, सफिक्स बनाया है तो आंसर आपका बन जाएगा बोलो इतनी बात पकड़ में आ रही है कि नहीं सबको मैक्सिमम बच्चों ने करेक्ट आंसर दे दिया है राहुल रुचि निधि सीमा पिंग मीनाक्षी वेरी गुड सबिया किरण बहुत अच्छे बच्चों जी राखी पूनम करेक्ट आंसर जा रहा है निधि जी तो टेन का हमारा आंसर वन बनेगा अब देखो बच्चों ट्वेल्व चूज द ऑल्टरनेटिव विच इज एन एडजेक्टिव कैसे बना है फोर्म्ड बाई एडिंग सफिक्स टू क्वेश्चन क्वेश्चन में आपको सफिक्स जोड़ के एडजेक्टिव बनाना है तो बताओ क्वेश्चनल बनेगा क्वेश्चियस बनेगा क्वेश्चन बनेगा या फिर बच्चों नन ऑफ दीज बनेगा क्या आंसर बनाएंगे आप इसका वोट शुड बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व अच्छा बहुत अच्छी बात है रुचि इट्स गुड जी मुकेश गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग जी बच्चों बिल्कुल सही आंसर जा रहा है आपका कोशियस बनेगा आपको पता है कोशनल कोशनल क्या बनेगा आपका सफिक्स जोड़ के क्वेश्चन में आपने क्वेश्चन में कोशनल नहीं कोशनल नहीं बनेगा कुछ भी कोशियस बनेगा एडजेक्टिव और क्वेश्चन बनेगा आपका नाउन ये नाउन होगा तो आंसर आपका सेकेंड बन जाएगा क्लियर टू एवरी 11 क्वेश्चन नहीं आया अच्छा एक मिनट देखते हैं ओके ये टाइपिस्ट ने उड़ा दिया है क्वेश्चन नंबर 11 <laughs> ये टाइपिस्ट की गलती है अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं बच्चों हम 13 पे आएंगे सब लोग चूज द ऑल्टरनेटिव विच इज नोट अ नेगेटिव प्रीफिक्स ध्यान से देखना नेगेटिव प्रीफिक्स नहीं है वो ये कह रहा है नॉट अ नेगेटिव प्रीफिक्स प्रीफिक्स का मींस तो बच्चों पहले जुड़ने वाला तो देखो अन नेगेटिव है हम कहते हैं सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब एक्सपोज डिस्पोज है ना प्रो जो वर्ड है सब बच्चों को याद है अगर मैंने प्रोनाउन आपको पढ़ाया था प्रोनाउन तो मैंने कहा था नाउन में प्रो जोड़ने का है उसके फेवर में जो वर्क करे जी बिल्कुल सही है बहुत अच्छे बच्चों सभी ने करेक्ट आंसर दे दिया है जी सौरभ आपने ये क्या लिखा है जी तो बिल्कुल सही बात है ये थ्री बनेगा प्रो ये प्रो है बच्चों बाकी सबके सब नेगेटिव हैं दोनों राइट एवरी अगले क्वेश्चन पे आएंगे चूज द ऑल्टरनेटिव विच इज नोट प्रिफिक्स ऑफ डिग्री और साइज मतलब ऐसा प्रिफिक्स आपको देखना है जो नहीं है क्या नहीं है डिग्री का प्रिफिक्स नहीं है या साइज का जैसे हम कहते हैं सुपर सुपर साइज सब सब डिविजन ओवर साइज तो ये तो सारे जुड़ सकते हैं डिग्री और इसमें सब में लेकिन बच्चों अगर मैं को की बात करूं जैसे मैं कह दूं एजुकेशन को एजुकेशन तो को वाला इसमें नहीं आता है ना साइज में ना डिग्री में अच्छा ठीक है ठीक है श्योर ऑप ऑल राइट थैंक यू बिल्कुल सही बच्चों सभी ने जवाब दे दिया है आरचू बहुत अच्छे रुचि बहुत अच्छे राखी सबिया राहुल जूली सीमा मुकेश मीनाक्षी रुचि बिल्कुल ठीक है बच्चों अगले क्वेश्चन को देखते हैं चूज द ऑल्टरनेटिव विच इज नॉट ए प्रिफिक्स टू ऑफ नंबर मतलब कौन सा इनमें से नहीं है प्रिफिक्स ऑफ नंबर नंबर का प्रिफिक्स नहीं है यूनि पोस्ट मोनो मल्टी बताइए बच्चों जैसे आपने देखा वर्सल यूनिवर्सल है ना या यूनि डायरेक्शनल एक डायरेक्शन मोनो मोनोगेमी गैमी मल्टी मल्टी एंट्री है ना खूब लगाते हैं लेकिन पोस्ट आप नहीं लगाते बिल्कुल सही बात है बी आंसर जाएगा हाँ जी बिल्कुल रुचि रीट वाले हैं उन्हीं को हमने बेसिकली uh, फोकस किया है आज तो बच्चों पोस्ट यहां पे जैसे मैं कह दू इंडिपेंडेंस पोस्ट इंडिपेंडेंस तो पोस्ट बाद वाली चीज को दिखाएगा ये अलग हो गया ये नंबर का प्रीफिक्स नहीं है प्रीफिक्स तो है बट नॉट ऑफ नंबर अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स ड्राइड फ्रॉम द वंस गिवन इन द ब्रैकेट बताओ इसमें वी न्यू ईच अदर सिंस अवर चाइल्डहुड चाइल्ड चाइल्ड लाइक -like या बच्चों children क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन का आंसर आपका क्या बनेगा फिफ्टीन का हमारा हो गया सिक्सटीन का आंसर आपको देखना है तो हम क्या बनाएंगे इसमें आंसर सिक्सटीन का ए बिल्कुल करेक्ट बात है देखो वैसे भी हमको पता है सिंस अवर यहां पे क्या है बच्चों पजेसिव एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के बाद क्या है आना है नाउन तो अभी मैंने बताया था आपको चाइल्डहुड नाउन बनेगा तो यहां पे चाइल्डहुड आएगा राइट right, एवरीवन बिल्कुल सही बच्चों जी निधि थैंक यू सो मच अगला क्वेश्चन देखते हैं सेवेंटीन एबिलिटी कैपेबल इनेबल्ड या फिर इनेबल क्या बनेगा बच्चों यहां पे मतलब उसके हार्ड वर्क ने उसको ऐसा ऐसा एबल कर दिया कि वो एग्जाम में पास हो जाए इसके लिए हमें वर्ब लगानी है यहां पर जी प्रणाम पूनम बिल्कुल बच्चों इनेबल्ड आएगा बहुत अच्छे अगर बच्चों एबल में हम वर्ड जोड़ दें इन्हें तो ये हो जाता है मतलब उस काम को करने से है ना और अगर अन जोड़ दें तो उसका उल्टा हो जाता है एबल हूं का मतलब मैं समर्थ हूं और अनेबल का मीन्स होता है असमर्थ होना असमर्थ होना किसी काम में और इनेबल का मीन्स है उस काम को करने के लायक होना तो ये आंसर आंसर हमारा थ्री बनेगा <coughs> जी बच्चों क्वेश्चन नंबर एटीन देखते हैं द टीचर एग्रीड तो बताओ क्या आएगा यहां पे टू लुक ओवर हिज मिस्टेक्स अंडर लुक हिज मिस्टेक ओवर लुक हिज मिस्टेक या काउंटर लुक क्या आंसर बनाएंगे हम इसमें द टीचर एग्रीड टू एग्री हो गया ओवर लुक करने के लिए लुक ओवर करने के लिए अंडर लुक करने के लिए उसकी मिस्टेक्स को बताइए बच्चों आंसर करेंगे सब बच्चे क्वेश्चन नंबर वन का आंसर क्या बनेगा लुक ओवर मीन्स क्या बताया है आंसर सब बच्चों ने मैक्सिमम बच्चों ने आंसर दे दिया है ओके 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 बिल्कुल सही है बच्चों ए आएगा एक्चुअली इंस्पेक्शन होता है लुक ओवर का मीन होता है इंस्पेक्शन करना एक तरह से मिस्टेक्स का तो टीचर एग्री टू लुक ओवर है ना लुक ओवर यानी को ध्यान देने वे के लिए एग्री हो गया तो आंसर ए बनेगा बहुत अच्छे क्वेश्चन नंबर नाइनटीन ओनली अ फूल तो बताओ क्या बनेगा ओनली अ फूल विल डिसीमेट क्या बनेगा हमारे यहाँ पे डिसीमेट एस्टिमेटिकल अंडर एस्टिमेट या फिर नन ऑफ दीज क्वेश्चन नंबर 19 का हम क्या बनाएंगे एवरीबडी नीड टू आंसर दिस क्वेश्चन जी बिल्कुल सही आंसर जा रहा है वेरी गुड रुचि पूनम सबिया आरचू निधि करेक्ट आंसर जा रहा है सतीश वेरी गुड बिल्कुल सही है बच्चों अंडर एस्टिमेट केवल मूर्ख ही क्या करते हैं अंडर एस्टिमेट करते हैं अपनी वर्थ यानी अपनी कीमत को या अपने सामर्थ्य को अगले क्वेश्चन पे आएंगे चूज द ऑल्टरनेटिव विच शोज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन इंस्ट्रक्शन है देखो इसमें ट्वेंटी में क्या दिया एन एडजेक्टिव एक एडजेक्टिव आपको बनाना है बाई एडिंग सफिक्स टू नाउन नाउन में सफिक्स जोड़ के इसका मतलब क्या हुआ बच्चों नाउन में प्लस कुछ करना है जिससे कि हमारा एडजेक्टिव बन जाए ये इसका मीन्स है तो हम कैसे बनाएंगे देखो जरा अब आप देखो क्लर्क क्लर्क नाउन है मैन भी नाउन है हमने कहा डन भाई ये तो कंपाउंड uh, नाउन बन गया आपने देखा ईयर मार्क ईयर भी नाउन है मार्क भी नाउन है अगेन हमारा क्या बनेगा कंपाउंड अब देखो यूज है ना यूजफुल तो ये क्या है एक मिनट देखेंगे अभी यूज क्या है बच्चों यूज भी नाउन है फुल एडजेक्टिव बन रहा है सफिक्स फिक्स एक मिनट हमें क्या देखना है एडजेक्टिव बनाना है नाउन में हमें जोड़ के एडजेक्टिव बनाना है अच्छा अच्छा एक मिनट देखते हैं ईयर मार्क क्लर्क यूजफुल प्राउड प्राउड अपने आप में प्राइमरी वर्ड है इसमें कुछ जुड़ा ही नहीं है ये बच्चों क्या है प्राइमरी वर्ड है तो देखो डी तो आंसर होगा नहीं हटा दिया हमने अब देखो यूज को देखो यूज वर्ब है बेसिकली इसको भी छोड़ देंगे अब देखेंगे ईयर मार्क और क्लर्कमैन तो क्लर्क यहां पे क्या है आपका नाउन करेक्ट बात है कि नहीं तो इसमें हमने सफिक्स जोड़ के क्लर्कमैन बना दिया मार्क और क्लर्कमैन बिल्कुल बच्चों इसका आंसर जो बनेगा आपका ये बनेगा दिस वन सी आंसर होगा बताइए कैसे क्योंकि फुल क्या है फुल सफिक्स जोड़ा तो यूजफुल आपका एडजेक्टिव बन गया यूज क्या है यहां पे नाउन है ना कि वर्ब करेक्ट हो गया बाकी दोनों जो है आपके ऊपर वाले ये कंपाउंड नाउन बने हैं ये कंपाउंड नाउन है तो आंसर आपका क्या बन जाएगा थ्री कितने बच्चों ने थ्री आंसर दिया है बिल्कुल सतीश बिल्कुल करेक्ट आंसर है अनंता रुचि करेक्ट आंसर हो गया आपका तो आंसर आपका थ्री बनेगा करेक्ट हो गया हमने इसको समझ भी लिया है कैसे कैसे नाउन 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 और ये नाउन प्लस फुल लगा के हमने एडजेक्टिव बना दिया यूजफुल इसमें एडजेक्टिव बनेगा बाकी कंपाउंड नाउन एक्सेट्रा है जी सतीश थैंक यू अगले क्वेश्चन पे बच्चों आते हैं ट्वेंटी वन एन एब्रेक्ट नाउन फ्रॉम अ वर्ड बाय एडिंग देखो क्या है वर्ब है ये वर्ब है बच्चों वर्ब में आपको सफिक्स जोड़ना है और उससे नाउन बनाना है बहुत ध्यान से करने हैं आपको क्या करना है वर्ब में सफिक्स जोड़ना है वर्ब के बाद में जोड़ना है जिससे क्या बने हमारा नाउन बने ऐसे लिख लेंगे फॉर्मूला वहीं पे, तो हमारा सही हो जाएगा क्वेश्चन जी निधि ऑल राइट ठीक है शालिनी आपका भी तीन है बहुत अच्छी बात है ग्रेट तो देखो बच्चों बताओ बॉयहुड डिक्टेटरशिप सेलर या फिर एक्शन क्या बनेगा इसमें से देखो बच्चों, बॉयहुड नाउन बनेगा डिक्टेटरशिप भी नाउन बनेगा शिलर भी नाउन बनेगा है ना लेकिन यहां पे देखो नीचे वाले में एक्ट एक्ट प्लस आई ओ एन ये क्या बन गया एक्शन तो एक्शन नाउन है आपका और ये किससे बना है एक्ट यानी के वर्ब में आपने क्या जोड़ा है आई ओ एन एक्ट आपकी वर्ब है बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं हां जी बिल्कुल सही है फोर आंसर बनेगा आपका इट वुड बी फोर जी वेरी सुन हम स्टार्ट करेंगे मॉर्निंग वाली क्लास भी अभी वो किसी कारण से रुक गई थी लेकिन उसे जल्द से स्टार्ट करेंगे डोंट वरी करेक्ट बच्चों आंसर मिल गया सबको समझ में आ गया तो एक्शन हमारा वर्ब से वर्ब के लास्ट में जोड़ के हमने नाउन बाकी डिक्टेटर बोय सेल एटसेट्रा ये सारे नाउन हैं तो ये पहले वाले नाउन बन जाएंगे तो आंसर हमारा डी बनेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं एन एडजेक्टिव फोर्म्ड बाय वर्ब फोर्म्ड फ्रॉम अ वर्ब बाय एडिंग सफिक्स फिर से आपको क्या करना है वर्ब में सफिक्स जोड़ना है तो उससे क्या बनाना है आपको अब एडजेक्टिव बनाना है तो देखो इसमें टॉकेटिव ब्लैकिश है ना अगर आप इसमें देखेंगे बच्चों ब्लैक एडजेक्टिव है एपिस्कोपल एपिस्कोप एपिस्कोप नाउन बनेगा वूल आपका नाउन बनेगा तो वर्ब सिर्फ टॉक में है टॉकेटिव तो टॉक में जब आप वर्ब में जोड़ेंगे टिव तो टॉकेटिव बन जाएगा तो टॉक यानी वर्ब में जोड़ के आपने क्या बना दिया एक, एक एडजेक्टिव और एडजेक्टिव होता है सारे एडजेक्टिव बनते हैं करेक्ट बात है बच्चों बिल्कुल सही है बाइस का आपका आंसर ए बनेगा बाइस वुड बी ए करेक्ट पूनम बिल्कुल ठीक है रुचि राखी सतीश बिल्कुल ठीक आंसर है मुकेश बहुत अच्छे ठीक है ठीक है शालिनी रीट के एग्जाम की बात करेंगे नो प्रॉब्लम ट्वेंटी थ्री को देखेंगे सब बच्चे अनाउन फ्रोम फ्रोमर्ब एन एडजेक्टिव एन है बच्चो एन एडजेक्टिव बाई एडिंग में सफे जोड़ के आपको नाउन बनाना है तो बताओ एजेंसी डेंसिटी फ्रेंडशिप या फिर यूथ अब देखो सबसे पहले एडजेक्टिव पकड़ लो फ्रेंड एडजेक्टिव नहीं है ये नहीं हो सकता एजेंट एजेंट नाउन है एडजेक्टिव नहीं हो सकता ंग यंग एडजेक्टिव है बन सकता है लेकिन यूथ जो है आपका नाउन बनेगा एक मिनट यंग से बनेगा हमारा यूथ यूथ तो ऑलरेडी ये तो ऑलरेडी अपना क्या है यूथ जो है वो ऑलरेडी नाउन है तो बच्चों इसको देखो डेंसिटी को डेंस डेंस जो वर्ड है वो क्या है एडजेक्टिव है करेक्ट बात है कि नहीं और इसमें आपने सिटी जोड़ दिया तो डेंसिटी बन गया तो नाउन बन गया है आपका सेकेंड नंबर आंसर आएगा टू हाँ जी बिल्कुल सही है ट्वेंटी थ्री का आंसर आपका बी बनेगा बहुत अच्छे बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते ट्वेंटी फोर पे लेट अस सी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर विच ऑफ ब्लेंड वर्ड ये बहुत जरूरी है ब्लेंड वर्ड आपको समझना देखो क्लाउड एन सर्कल स्पॉर्क या फिर ऑल ऑफ द तो बताओ बच्चों पहले आंसर करो आप फिर मैं आपको समझाने वाला हूं अगर हम इस वर्ड को देखें तो इनमें से कौन सा ब्लेंड वर्ड है आपका फाइंड आउट द वर्ड दैट इज ब्लेंड अमंग दीज अच्छा ठीक है रुचि ठीक है तो अगर हम ब्लेंड वर्ड कहें तो उसका मीन्स क्या बनेगा बच्चों हमारा ठीक है ठीक है सी एन सर्कल ओके, ओके 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 24 का ए आंसर दिया मुकेश ने नाइस आंसर बच्चों ध्यान से देखो एन सर्कल एन और सर्कल से मिलके बना है है ना एन यहां पे क्या हो गया प्रिफिक्स और सर्कल क्या हो गया नाउन क्लाउड अपने आप में प्राइमरी वर्ड है लेकिन स्पोर्क को देखो स्पोर्क का मीन्स होता है बच्चों स्पोन प्लस फोर्क बोलो याद आ रहा है कि नहीं स्पोर्क तो पहला और लास्ट का जोड़ के हमने स्पोर्क बना दिया जब हम ऐसा करते हैं इसको कहते हैं ब्लेंडिंग बोलो समझ में आ रही है बात कि नहीं तो ये ब्लेंडिंग कहलाती है हमारी तो ब्लेंडिंग का मीन्स है किसी वर्ड जैसे आपने देखा ब्रेकफास्ट बच्चों आपका वर्ड होता है ब्रेकफास्ट और आपका वर्ड होता है लंच है ना hmm. ब्रेक लेके और चले के आप बनाते ब्रंच बोलो ये पढ़ाया कि नहीं तो ब्रंच और स्पोर के दोनों ही वर्ड क्या हो गए आपके ब्लेंड वर्ड ठीक है जी ऑल राइट एवरीबॉडी एवरीबडी इज गेटिंग दिस और बच्चों इसको एक और नाम देते हैं इस ब्लेंडिंग को पोर्टमेंट्यू पोर्ट मेंट्यू इसको भी ध्यान रखेंगे अगर वो पूछे आपसे कि विच ऑफ द फॉलोविंग वो क्या है हमारा स्पोर को ब्लेंड मतलब वर्ड तो है ही है साथ में इसमें टर्म जो यूज होते हैं है. है. वे होते हैं जिन दो वर्ड्स में हम शुरू का और आखिर का लेके एक नए वर्ड को फॉर्म करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे ट्वेंटी फाइव विच ऑफ द फॉलोविंग एडजेक्टिव देखो ध्यान से कंपाउंड एडजेक्टिव पूछा है ब्रेकफास्ट नाउन है बच्चों फुलफिल आपकी वर्ब है फुल और फिल अगर हम देखें तो क्या बनती है वर्ब वर्ल्ड वाइड अब आप देखें ओवरटेक भी आपकी वर्ब है फुलफिल वर्ब है ब्रेकफास्ट नाउन है ये तो देखो वर्ल्ड वाइड हम कहते हैं वर्ल्ड वाइड व्यू या वर्ल्ड वाइड ओपिनियन तो इसका मतलब ये किसी नाउन के पहले आता है तो ये क्या बन गया आपका कंपाउंड एडजेक्टिव है ना वर्ल्ड और वाइड से मिलके बना है तो 25 का आंसर बच्चों आपका थ्री जाएगा डन हो गया सबका अब जरा हम आगे बढ़ते हैं ये तो बच्चों आपके हो गए प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन अब जरा देखो मैंने कुछ चीजें आपके लिए चूज की हैं और उसमें वर्क करेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस बाय इंटरचेंज ऑफ द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ये सारे एग्जाम्स के लिए है बच्चों और स्पेशली तो अब हम रीट के लिए कर रहे हैं बट ये सारे ही एग्जाम्स में आता है डिग्री का कंपैरिजन डिग्री के थ्रू सेंटेंसेस को चेंज करना तो चलिए हम देखते हैं हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे शालिनी बिल्कुल तो देखो बच्चों अच्छा देखो रूल नंबर वन यहां पे दिया गया है एक मिनट देखते हैं वेन वी ट्रांसफॉर्म ये दिया है यहां पर वेन अ सेंटेंस ऑफ कंपेरेटिव डिग्री इंटू सेंटेंस ऑफ पॉजिटिव डिग्री वी जनरली चेंज इट इंटू नेगेटिव एक बहुत बड़ी ध्यान रखनी है बात कंपेरेटिव से अगर पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो आप उसे किसमें चेंज करते है? नेगेटिव में कंपेरेटिव डिग्री से अगर आप पॉजिटिव डिग्री में यूज करेंगे बच्चों तो वहां पे नोट का यूज करते हैं एक पॉइंट आपने बना लिया है ना इसको अभी यूज में भी लाएंगे आगे हम दूसरी बात वी बिगिन द सेंटेंस नो अदर अच्छा देखो इसमें और दिया है कुछ ऐसे कट गया है इसमें से इधर उधर हो गया है नो प्रॉब्लम बट वाइल ट्रांसफॉर्मिंग सेंटेंस ऑफ सुपरलेटिव जब हम सुपरलेटिव ट्रांसफॉर्म करते हैं है ना चलो इसमें देख लेते हैं इसको नो प्रॉब्लम चलिए हम इनके क्वेश्चन से देखते हैं सीधे जैसे बच्चों इस क्वेश्चन को देखेंगे सबसे पहला पॉजिटिव हमारा क्या बना है आई एम एज वाइज एज ही बहुत ध्यान से देखें सब लोग समझ पा रहे हैं सबको दिख रहा है सब बच्चों को जी मुझे लग रहा है कमेंट्स रुक गए हैं सब बच्चों के आई डोंट नो वाई जी कमेंट्स आपके आते रहने चाहिए यस एवरी वन अच्छा ठीक है आ रहे हैं बिल्कुल ठीक है पूनम अब आ गए हैं सब बच्चों कमेंट्स तो देखेंगे ध्यान से इसको समझेंगे आई एम एज वाइज एज ही बच्चों वाइज कैसी डिग्री है पॉजिटिव डिग्री वाइज वाइजर करेक्ट बात है तो देखो इसको कंपेरिटिव आप कैसे बनाएंगे ही इज नोट वाइजर देन मी मजेदार बात देखो यहां पे जब आप एक्टिव एक्टिव पैसिव बनाते हैं बच्चों तो कैसे बनाते हैं सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट सेम आपने यहां भी किया है आई को आपने ऑब्जेक्ट में ले गए ही को आप सब्जेक्ट में ले गए बोलो समझ में आ रही है कि नहीं बात इसको भी ध्यान में रखना है अदरवाइज तो आप इसमें गलती कर देंगे तो पहला क्वेश्चन बना आपका आई एम एज वाइजर एज ही अगर हम पॉजिटिव को कंपेरेटिव बदले नोट लगा दिया एक तो और हमने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज कर दिया है आपका ये सेंटेंस थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है कोई बात नहीं बर्ड्स नॉट फ्लाई एज एरोप्लेन इस तरह से नियुक्त जैसे कि एरोप्लेन उड़ता है कैसी डिग्री है पॉजिटिव एरोप्लेन फ्लाई फास्टर देन बर्ड्स बना दिया आपने इस नेगेटिव से पॉजिटिव बना दिया फास्टर आ गया आपका बोलो ये बात क्लियर है कि नहीं सब बच्चों को बहुत अच्छे बच्चों अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें अजमेर इज नोट एज बिग एज जयपुर ये अजमेर है इज नोट एज बिग बिग क्या है बच्चों पॉजिटिव डिग्री आपने इसका बनाया देखो नोट यहां पे आ गया आप पॉजिटिव में बना जयपुर इज बिगर देन अजमेर जयपुर को इधर ले आए अजमेर को इधर ले आए बन गया हमारा कैन यू चेंज लाइक दिस हाँ जी आप बिल्कुल चेंज कर सकते हैं अब देखेंगे नेक्स्ट इसमें टेस्ट देखेंगे ये बन तो नो अदर का मीनटिव से, से होने बनाया कोई भी अदर मेटल मेटल इस दुनिया में इतनी यूजफुल नहीं जितना कि आयरन यूजफुल कैसी कैसी डिग्री बन गई हमारी पॉजिटिव अब देखो कंपेरेटिव आप इसका कैसे बनाएंगे नो no है तो इसका पॉजिटिव आयरन इज द मोस्ट यूजफुल देन एनी अदर मेटल समझ में आ रहा है तो कैसे बनाया आपने कंपेरेटिव ये बच्चों मोस्ट तो नहीं होना चाहिए मोर होना चाहिए मोर आयरन इज द मोर यूजफुल इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल ये बिल्कुल करेक्ट है और सुपरलेटिव आयरन इज द मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल बन गए इन तीनों को आप कंपेयर करेंगे अफर्मेटिव में बनाएंगे हां जी बिल्कुल मीनाक्षी सुपरलेटिव बना रखा है बिल्कुल लेकिन ये हमने कर दिया यहां पे, पे मोर बनेगा तो देखो यूजफुल कम, पॉजिटिव यूजफुलटिव और ये क्या बन गया आपका सुपरलेटिव कर सकते हैं बच्चों अब नीचे वाले पे आ जाएंगे पॉजिटिव नो अदर आइलैंड इज अज एज लार्ज एज लार्ज एज ग्रीनलैंड इन द वर्ल्ड हमने कहा डन बिल्कुल सही है भाई एज लार्ज लार्ज का मीन क्या बन गया पॉजिटिव डिग्री कंपेरेटिव ग्रीनलैंड इज लार्जर देन एनी अदर आइलैंड इन द वर्ल्ड ये बिल्कुल करेक्ट है और सुपरलेटिव ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड ठीक है बच्चों इज दैट क्लियर टू एवरी वन तो ऐसे आप डिग्रीज को चेंज करते हैं वहां पे अगले सेंटेंस को देखेंगे पॉजिटिव में नो अदर चर्च इज एज बिग एज दिस चर्च इन कोलकाता पॉजिटिव डिग्री नो no अदर है तो क्या बनाएंगे पॉजिटिव बनाएंगे कंपेरेटिव और अगर आपके पास कंपेरिटिव दिया हो तो फिर ऐसे चेंज करेंगे दिस चर्च इज द बिगर इज द बिगर देन एनी अदर चर्च इन कोलकाता ये द गलत लिख दिया इज बिगर आएगा सुपरलेटिव दिस चर्च इज द बिगेस्ट चर्च इन कोलकाता अब सही हो गया राइट right, बच्चों तो हमें ऐसे ही इनको क्लियर करना है पॉजिटिव में देखेंगे नो वन कैन रन एज फास्ट एज बजरंग इन वन ग्रुप अर ग्रुप कंपेरेटिव नो वन अब देखो नो वन कैन रन एज फास्ट एज हमने कैसे बनाया नो वन कैन रन फास्टर देन बजरंग ऐसे भी आप बना सकते हैं और बजरंग कैन रन फास्टर देन एनी अदर इन अवर ग्रुप और सुपरलेटिव बनाएंगे तो बजरंग कैन रन फास्टेस्ट इन अवर ग्रुप डन बच्चो तो यह आप डिग्रीज का चेंज करके आप सेंटेंस को भी चेंज कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल इसको देखेंगे कौन नया एग्जाम्पल आ गया स इज एज टोल टोल का मीन क्या है पॉजिटिव डिग्री एज राकेश कंपेरेटिव राकेश इज टोलर एनी अदर बॉय इन अवर क्लास बिल्कुल करेक्ट बात है और राकेश इज द टोलेट बॉय इन अवर क्लास अगला देखते हैं बच्चों और भी इसमें एग्जाम्पल दिए एग्जाम्पल जितने ज्यादा हो जाए उतना अच्छा है नो अदर किंग इन इंडिया वोज सो ग्रेट एज अशोका कंपेरेटिव बनी है अशोका वॉज ग्रेटर ग्रेटर देन एनी अदर किंग इन इंडिया बना देंगे सुपरलेटिव अशोका वोज अशोका वोज द ग्रेटेस्ट किंग इन इंडिया इज दैट क्लियर इसमें थे भी नहीं आएगा में जी बिल्कुल आएगा इसमें से अगला देखो बच्चों मोस्ट अदर मोस्ट अदर किंग वर नोट सो ग्रेट एज द अकबर वोज देखो यहां पे मोस्ट अदर लगाया है मोस्ट अदर किंग वर नोट सो ग्रेट पॉजिटिव डिग्री अकबर वॉज ग्रेटर देन मोस्ट अदर किंग्स बिल्कुल ठीक है और अकबर वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स ये भी बिल्कुल सही है तो हमें इनका ध्यान रखना है आगे देखते हैं बच्चों इसमें और भी एग्जाम्पल कई सारे हमारे दिए हैं जैसे इसमें दिया है नो अदर स्टोरी बुक इज सो पॉपुलर एज द अरेबियन नाइट करेक्ट बात हो गई अरेबियन नाइट इज मोर पॉपुलर देन एनी अदर स्टोरी बुक्स हमारी बात बिल्कुल सही होगी और बच्चों अगर इसमें सुपरलेटिव देखेंगे तो क्या बनेगा अरेबियन नाइट इज द मोस्ट पॉपुलर स्टोरी लास्ट क्वेश्चन हमारा इसका बनेगा नो अदर वुमेन वोज मोर ब्यूटीफुल देन वुमेन देन एनी अदर वुमेन बन गया हमारा मोर ब्यूटीफुल का है कंपेरेटिव और बच्चों मोनालिसा वोज द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमेन ये हमारी सुपरलेटिव बन गई डन एवरी वन तो इसे सब बच्चे लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे है ना और आप डाउनलोड कर लेंगे ये नोट्स मैं आपके टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूं ठीक है बच्चों वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अब मुझे थोड़ी सी फीडबैक दें बच्चों यहां पे जो क्लास अभी आपकी हुई है ये बेहतर थी आपको समझ में आया क्या ये आपके लिए यूजफुल थी या कैसी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं बाकी सब बच्चों के लिए मैं अनाउंस कर दूं कल मैं इसमें पोस्टर भी लगा दूंगा कि सीटेट एंड टेट। सीटेट और सुपर सुपर टेट और टेट का बच्चों ट्वेंटी ऑफ जून हमारे सितंबर से शुरू हो रहा है बैच करियर विल पे तो करियर विल सुपर टेट और सी टेट दोनों का ही बैच शुरू हो रहा है जो बच्चे चाहते हैं एनरोल करना वो वहां पर एनरोल हो सकते हैं ठीक है बच्चों काफी बच्चे पूछ रहे थे क्लास में तो मैंने उनको सबको इन्फॉर्म कर दिया है कि दोनों ही बैच आपके 27 से आ रहे हैं। और उसमें कुछ लिखा भी है कि चाहिए नॉट ओनली वन टाइप क्वेश्चन ठीक है ठीक है जी गुड क्लास वैरायटी आपको कल मिलेगी आज भी वैरायटी हमने कोशिश की है इसमें बनाने की कल और वेराइटी मिलेगी राखी ठीक बच्चो ऑल राइट सबके लिए यूजफुल है थैंक यू सो मच तो चलिए बच्चों कल फिर मिलते हैं कुछ और वेराइटी के साथ में कुछ और बेहतर चीजों के साथ में वैसे तो ये हम फोकस कर रहे हैं रीट पे बट ये सभी एग्जाम्स के लिए आपके यूजफुल होगा ये आप खुद ही देख चुके हैं तो कल करते हैं बच्चों कुछ हम पेडेगोजी का वर्क लेते हैं उसमें और कुछ और थ्योरेटिकल वर्क लेते हैं रीट एग्जाम के लिए मिलते हैं कल फिर थैंक यू सो मच हैव अ ग्रेट टाइम ठीक है जी बच्चों ठीक है थैंक यू सो मच